हेलो एवरीवन, सिविल स्टेप हिमाचल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जेओआईटी का एग्जाम जो कि 24 अप्रैल को कंडक्ट हुआ था। तो आई होप आप सभी ने उस एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया होगा। तो आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो बेसिकली डेडिकेट रहेगा उसके एनालिसिस के ऊपर कि कौन से कंपोनेंट से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसकी आंसर की भी आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे हर एक कंपोनेंट से। जैसे कि अगर हम बात करें तो सबसे जो मेजोरिटी लेवल का जो कंपोनेंट था वो था हमारे पास कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से टोटल 140 क्वेश्चंस पूछे गए थे दोस्तों, और इनका जो लेवल था वो इजी लेवल के क्वेश्चन भी थे, मॉडरेट भी थे और कुछ ट्रिकी लेवल के क्वेश्चन भी थे जो हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सारे के सारे कंपोनेंट्स की। एंशियंट इंडिया से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, मेडिवल इंडिया से 2 क्वेश्चन थे, मॉडर्न इंडिया से 3 क्वेश्चंस थे। ठीक है, यानी कि टोटल अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो हिस्ट्री में टोटल 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। इसके अलावा पॉलिटी में 4 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी में 8 क्वेश्चन। काफी अनप्रिडिक्टेबल सा इस बार का जो पैटर्न था देखने को आपको मिला था, क्योंकि ज्योग्राफी में ज्यादातर कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया की बात करें तो उसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि मॉडर्न इंडिया से सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमी से दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी 2 क्वेश्चन आए थे, साइंस में 6 क्वेश्चन, रीजनिंग में 3 क्वेश्चन, करंट अफेयर के 4 क्वेश्चन थे। इसके अलावा जो आपका हिमाचल जीके है, एचपी जीके, उसमें 15 क्वेश्चन, इंग्लिश और हिंदी में 4-4 क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से टोटल 200 क्वेश्चन का पेपर था। ठीक है, जिसमें 70% तो कंप्यूटर का सेक्शन था और उसके बाद एचपी जीके थी जो सबसे ज्यादा पूछी गई थी, यानी कि 15 मार्क्स। बाकी सबके 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले थे। ठीक है, तो देखो जो सबसे बड़ा कंपोनेंट था इस एग्जाम का यानी कि कंप्यूटर सेक्शन, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे उनके बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने ब्रेकअप किया है सारे के सारे क्वेश्चन का। तो कुछ ये चैप्टर्स निकल के आए हैं कंप्यूटर के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो मैं थोड़ा साइड पे हो जाऊंगा ताकि आपको भी दिख जाए सारे के सारे क्वेश्चंस। तो इसमें देखो सबसे पहला था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से टोटल 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जैसे कि बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, तो उसके कन्वर्जन के ऊपर भी इस बार क्वेश्चन थे, तो उसके टोटल 9 क्वेश्चन थे दोस्तों। एमएस वर्ड से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, 18 क्वेश्चन सिर्फ एमएस वर्ड से, डेडिकेटली एमएस वर्ड जो होता है उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा एमएस एक्सेल से, एक्सेल जो वर्कशीट्स होती हैं उसके ऊपर 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। पावर पॉइंट से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। एचटीएमएल जो लैंग्वेज होती है उसमें 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग मेमोरी, मेमोरी के ऊपर काफी क्वेश्चन है देखो डेडिकेटली। इसके अलावा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिला के टोटल 42 क्वेश्चंस थे। ठीक है, उसके बाद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। अब देखो जो हार्डवेयर डिवाइस है और जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है ये आपस में क्लैश करते हैं, तो मैंने उनको उनके जो उनकी वर्किंग है उसके अकॉर्डिंगली ही सेटअप करा है। तो इस हिसाब से इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर जो डेडिकेटली क्वेश्चन थे वो 5 थे। और लास्ट में आया था दोस्तों हमारे पास नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। अब नेटवर्किंग और इंटरनेट के ऊपर टोटल 19 क्वेश्चन थे, जिसमें इंटरनेट के ऊपर काफी चीजें बताई गई थी जो आज की क्लास में हम डिस्कस भी करने वाले हैं। ठीक है, डीबीएमएस के ऊपर सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था डीबीएमएस का, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे आज क्लास में। इसके अलावा 4 क्वेश्चन मिसलिनियस थे, मिसलिनियस मतलब जिसमें फुल फॉर्म्स पूछी गई थी, जैसे सीपीयू में सी की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो वो वाले क्वेश्चन थे। तो कुल मिला के दोस्तों यही हमारे पास 7-8 चैप्टर बनते हैं जो हमने पढ़ने होते हैं अपने एग्जाम के लिए। तो इनको आपने अच्छे तरीके से करना है अगर आप नेक्स्ट टाइम एग्जाम देते हो, तो आपको ये एनालिसिस बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है जी, तो देखो दोस्तों जेओआईटी की अगर मैं बात करूं तो जेओआईटी लगभग हर साल ही होता है, साल में 2 बार भी कंडक्ट करवाया जाता है। तो काफी सारे ऐसे स्टूडेंट थे हमारे जिन्होंने हमें बोला था कि आप एचएएस वगैरह का एग्जाम तो कंडक्ट की तैयारी तो आप करवाते हो लेकिन आप जेओआईटी की तैयारी नहीं करवाते। तो इसलिए दोस्तों हम 9 मई को जेओआईटी का एक डेडिकेटली बैच एक लॉन्च करने वाले हैं। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे इस लेक्चर के तो आपको मिल जाएगी। तो जो भी नंबर होंगे आप उन नंबर्स पे कॉन्टेक्ट करके उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं आंसर की को कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको आए थे, और मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा कि और कैसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने को इसके साथ मिल सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो कुछ इस तरीके से गाइस हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, आपको देखने को मिल गया होगा।
तो ये सेट बी है, मैं पहले बता दूं, जो JIT का पेपर था 24 अप्रैल को, उसका सेट बी है ये, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो जी, इसके स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस होंगे वो सारे कंप्यूटर के होंगे, तो मैं पूरे 200 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि विच रजिस्टर इज यूज्ड एज अ वर्किंग एरिया ऑफ सीपीयू, इन सीपीयू, सीपीयू में मतलब कि कौन सा ऐसा मतलब कि रजिस्टर है वो वर्किंग एरिया में होता है सीपीयू के, है ना। तो इसका आंसर क्या था दोस्तों, इसका आंसर था ऑप्शन ए, इसका आंसर था ऑप्शन ए, अकुमुलेटर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसईओ। अगर दोस्तों मैं एसईओ की बात करूं, एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये इंटरनेट का ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। जब भी हम कोई वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है वो ऊपर दिखे, तो हम उसका एसईओ करवाते हैं। तो एसईओ क्या होता है एक्चुअल में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका रहेगा आंसर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन देखो दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि विच प्रोवाइड्स मोबाइल यूजर्स टू पोजिशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विसेस, ठीक है। अब देखो ऑप्शंस की बात करें तो एज और GPRS, ये आप सभी को पता है कि इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं, जब भी हम सिम डालते हैं तो उसमें आता है ना 4G 3G 2G वो वाले हैं जी। ब्लूटूथ एक प्राइवेट एरिया नेटवर्क होता है जिससे हम डेटा शेयरिंग करते हैं। उसके बाद बचा है एक GPS, GPS क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है, US बेस्ड है ये। तो ये हमें बताता है जो भी हम रास्ता कवर करते हैं, जब भी हम कोई रास्ता देखते हैं, हमने कहीं दूर जाना होता है, तो हम GPS का ओपन करते हैं, ठीक है, GPS का यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, GPS, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप ये चीज भी आप सभी को समझ आ गया होगा, यहां तक तो कोई डाउट तो नहीं है किसी को, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर होगा GPS। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर ग्राफिक आउटपुट डिवाइस, इसमें से कौन सा जो है वो वेक्टर ग्राफिक आउटपुट डिवाइस है। तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्लॉटर, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर था GPS, ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला है प्लॉटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर टूल्स इज मोस्ट सुटेबल टू क्रिएट ब्रोशर, न्यूज़लेटर एंड बुक्स, इनमें से कौन सा ऐसा हमारे पास सॉफ्टवेयर है जो किसके लिए काम करता है, ब्रोशर्स वगैरह बनाने हैं, न्यूज़लेटर और बुक्स वगैरह बनाने हैं, मेजोरिटी बुक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप, ये फोटोज को एडिट करने के लिए सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, अगर आपने किसी फोटो को एडिट करना है तो उसके लिए होते हैं, लेकिन अगर आपने कोई बुक वगैरह डिजाइन करनी है तो उसके लिए ये सॉफ्टवेयर काम नहीं करते। पावर पॉइंट जो होता है वो प्रेजेंटेशन के लिए होता है दोस्तों, इसमें कोई भी आप बुक वगैरह नहीं बना सकते हो। तो इसका आंसर क्या बचता है फिर, पेज मेकर, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा दोस्तों, आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको कि डेकोरेटिव लाइन और टेपर एडेड टू द बिगनिंग और एंड ऑफ लेटर स्टेम इज कॉल्ड एज, कि जो हमारे पास डेकोरेटिव लाइन करनी हो कुछ या टेप वगैरह करनी हो बिगनिंग और एंड में, तो उसके लिए बताओ कौन सा मतलब कि लेटर स्टेम हम यूज करते हैं, दैट इज सेरिफ, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सेरिफ, ठीक है। नेक्स्ट देखो जी क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या लिखा हुआ है, द यूजर आईडी ऑफ ए ट्विटर अकाउंट इज आल्सो नोन एज, आपने सुना होगा कि अपने ट्विटर हैंडल पे, ट्विटर हैंडल पे किसी ने ये वाली पोस्ट डाली है, तो हैंडल क्या होता है, ट्विटर अकाउंट का ही नाम है, ठीक है। और एक और न्यूज देना देना चाहता हूँ आप सभी को कि एलन मस्क जो है हमारे, उन्होंने परचेज कर लिया ट्विटर 44 बिलियन की डील में, ट्विटर अब उनका है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें इसका क्या है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ QR कोड। QR कोड आज के टाइम पे हम सभी QR कोड का काफी यूज करते हैं दोस्तों, जो पेटीएम वगैरह है, जो भीम पे है, जो लगा होता है ना शॉप्स वगैरह पे, जिसको हम स्कैन करते हैं वो QR कोड होता है, और उसकी फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पॉन्स कोड, ठीक है। क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड, ये मिसलिनियस क्वेश्चन है, इसमें फुल फॉर्म्स पूछी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द लेटर सी डिनोट्स इन द एक्रोनिम ऑफ सीपीयू, सीपीयू में सी का मीनिंग क्या होता है। तो देखो सीपीयू क्या होता है दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसमें सी का मीनिंग क्या होगा, सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीपीयू इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो दोस्तों इंस्ट्रक्शन साइकिल का आपको पता होना चाहिए क्या होता है जी, पहला होता है फेच, सेकेंड होता है डिकोड, उसके बाद होता है प्रोसेस, और उसके बाद होती है उसका स्टोर। तो ये चलती है हमारे पास पूरा जो होता है इंस्ट्रक्शन साइकिल सीपीयू का, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ, लोड डिकोड एग्जीक्यूट एंड फेच, ठीक है, सॉरी फेच डिकोड एग्जीक्यूट एंड स्टोर, ऐसे कुछ चार चार होते हैं हमारे पास, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था, प्रोसेस नहीं है, एग्जीक्यूट होगा इसकी जगह पे। तो फेच होता है,
एग्जीक्यूट भी होता है, डीकोड भी होता है, लोड वाला कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो लोड इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या लिखा हुआ है कि अ सीपीयू कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट, डैश एंड मेमोरी यूनिट। तो तीन चीजों से मिलकर दोस्तों सीपीयू बनता है। सबसे पहला होता है कंट्रोल यूनिट, उसके बाद होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और उसके बाद होता है मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस हैं दोस्तों, आगे देखने को आपको मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ का लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि विच इज रिक्वायर्ड टू मेक अ हार्ड कॉपी ऑफ ए डिजिटल डॉक्यूमेंट। ऑब्वियसली बात है, अगर आपको कोई भी डिजिटल डॉक्यूमेंट है उसकी अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए, तो आप उसका प्रिंट करवाते हो, और प्रिंट कौन करता है दोस्तों, प्रिंटर। प्रिंट कौन करता है, प्रिंटर करता है, ठीक है जी। स्कैनर जो होता है वो स्कैन करता है सिर्फ, वो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट बनाने के लिए होता है, ठीक है, स्कैनर होता है वो। जॉयस्टिक हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है, जो डेटा को, जैसे माउस होता है वैसे जॉयस्टिक भी होती है, कर्सर को इधर उधर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, ये काफी टेक्निकल क्वेश्चन है दोस्तों, स्टोरेज का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि डायनामिक रैम, डायनामिक रैम क्या होती है, देखो दो तरह की रैम होती है, एक होती है स्टैटिक, एक होती है डायनामिक। स्टैटिक रैम होती है सीपीयू के बिल्कुल पास, जो काफी फास्ट होती है, और डायनामिक थोड़ी कम पावर फास्ट होती है ना। तो क्या लिखा हुआ है, डैश पावर इज डैश एज कम्पेयर टू स्टैटिक रैम। तो डायनामिक और स्टैटिक के बीच कंपैरिजन है, तो देखो डायनामिक रैम की स्पीड स्लो होती है एज कम्पेयर टू स्टैटिक, ठीक है। तो ऑप्शन देखो क्या है, स्लोअर दो जगह लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर डी में। अब देखो जो डायनामिक रैम होती है वो सर्किट से दूर होती है, सीपीयू से बहुत दूर होती है, तो उसको अलग से पावर सप्लाई चाहिए होगी, तो उसकी पावर सप्लाई क्या होती है, ज्यादा, और स्पीड क्या होती है, लेस। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इसमें क्या लिखा हुआ है, सीमोस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर मदरबोर्ड दैट स्टोर्स बायोस सेटिंग, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीमोस। तो होता है क्या है, देखो ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं ये क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ऑप्शंस में सेमीकंडक्टर देखो एक ही जगह लिखा हुआ है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन बी में क्या है, क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, स्टोरेज डिवाइस है, ऑब्वियसली बात है ना, डाइट्स होंगे। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या लिखा हुआ है कि व्हेन पावर इज, पावर ऑफ ए कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन, अगर मैं कंप्यूटर की पावर को ऑन करता हूं, अ डायग्नोस्टिक सिस्टम कैरिड आउट टू चेक द कीबोर्ड रैम डिस्क ड्राइव्स एंड अदर हार्डवेयर। एक चेकअप होता है, ठीक है, आपको बोला गया उस टेस्ट को क्या बोलते हैं, तो बेटा उस टेस्ट का नाम क्या होता है बताइए, जरा टेस्ट का नाम क्या होता है कमेंट में लिख के बताना जरूर, ठीक है, पहले वीडियो को पोस्ट करके। टेस्ट का नाम था, ठीक है, पोस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है जी। बायस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है जी। सीमोस की अभी अभी हमने बात करी थी, ठीक है, कि सीमोस क्या होता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो इसमें क्या लिखा हुआ, विच कंप्राइजेस द सीरीज ऑफ रैम इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड दे कैन बी इंस्टॉल्ड इन द मदरबोर्ड मेमोरी स्लॉट्स। तो सिंपल आंसर है गाइस, DIMM इसका आंसर होगा, ये तो लगभग सबको पता होता है, ठीक है, जब भी हम मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं तो इसका काफी जिक्र आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है दोस्तों, तो डेजी व्हील प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, और इंकजेट प्रिंटर है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये क्या होता है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है जी, लेजर के थ्रू चलता है। चलिए नेक्स्ट देखिए 18th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि व्हाट डज द लेटर एम स्टैंड फॉर इन CMYK, ठीक है, CMYK, ये सियान, एम से होता है मजेंटा, वाई से येलो, है ना, इस तरीके से। तो इसका एम का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे मजेंटा होगा, एम का मीनिंग क्या होगा, मजेंटा। यहाँ पे मस्टर्ड भी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मरून भी लिखा हुआ है, मैंगो भी लिखा हुआ है, तो इनमें से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सियान, अगर मान लो सी सी का पूछ लेते, सियान कलर होगा, एम से मजेंटा है, वाई से येलो कलर है, ठीक है, और के से बोला जाता है की, KEY, ठीक है, ब्लैक कलर बोला जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 19th क्वेश्चन, 19th में क्या कह रहा है वो आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ मेजरिंग सीपीयू स्पीड, सीपीयू की स्पीड को मेजर करने के लिए इनमें से कौन सा यूनिट नहीं है। तो दोस्तों फ्लोप्स, मेटाफ्लोप्स सुना होगा आपने, सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा गीगाहर्ट्ज़ सुना होगा, स्पीड को मेजर करने के लिए आपका जो लैपटॉप है, नॉर्मल लैपटॉप्स है, उनकी स्पीड्स गीगाहर्ट्ज़ में ही होगी, ठीक है। अगर हम MIPS की बात करें तो थर्ड जनरेशन में आया था, ये इंट्रोड्यूस हुआ था, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। पहले क्या होता था, 300, सेकंड जनरेशन में क्या था, 300 इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, याद है ना आपको। तो यहाँ पे भी क्या है, MIPS भी क्या है, सीपीयू की स्पीड को मेजर करने का मेथड, लेकिन क्विप्स कुछ नहीं होता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ जी, इनका नाम आपने सुना होगा दोस्तों, कैट 5, कैट 6, कैट 7 आर द टाइप ऑफ। जब भी आप घर में कभी कैमरास लगाओगे, ठीक है, तो उसकी जो वायरिंग होती है वो होती है कैट 5 केबल की, ठीक है, और वो कौन सी केबल होती है हमारे पास, यूटीपी केबल्स, ठीक है, यूटीपी केबल। और नेक्स्ट उसके आगे ही आ गया हमारे पास कि विच कनेक्टर आर यूज्ड विद यूटीपी केबल्स, तो इसका आंसर होगा दोस्तों RJ45। RJ45 कनेक्टर्स होते हैं, यूटीपी केबल्स होती है, जिनकी टाइप्स होती है कैट 5, कैट 6 एंड कैट 7। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि विच लेयर एग्जिस्ट बिटवीन एप्लीकेशन एंड सेशन लेयर। तो देखो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो OSI मॉडल होता है उसमें 7 लेयर्स होती है तो कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन लेयर होती है, प्रेजेंटेशन लेयर होती है, सेशन लेयर होती है। तो एप्लीकेशन के बाद आती है प्रेजेंटेशन, फिर आता है सेशन। तो आपसे पूछा गया है कि एप्लीकेशन और सेशन के बीच कौन सी लेयर है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, प्रेजेंटेशन। इसका आंसर क्या होगा, प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि HTTP ऑपरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ नेटवर्क, तो इसका आंसर होगा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लेयर में लगता है, ठीक है। तो इसके ऊपर देखो और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि राउटर्स कहाँ लगेंगे, ठीक है, राउटर्स का यूज कहाँ होता है, ब्रिज का यूज कहाँ होता है, तो काफी क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। तो OSI मॉडल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आपने देखा होगा कि सिर्फ OSI मॉडल के ऊपर ही दो क्वेश्चन आपके बन चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग IP एड्रेस इज रिजर्व फॉर प्राइवेट यूज एंड नॉट अलाउड टू ट्रांसमिट अक्रॉस द इंटरनेट, ठीक है। तो भाई प्राइवेट जो इंटरनेट होता है वो बेटा वो 192 से शुरू होने वाला है, 192.168.1.91 इस क्वेश्चन का ये आंसर होने वाला है IP एड्रेस का, ठीक है। IP एड्रेस के ऊपर और भी क्वेश्चंस हैं, आगे चल के मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है GSM, LTE, CDMA और विच टेक्नोलॉजीज, ये क्या होती है दोस्तों। आपका भी जो आपके पास जो मोबाइल है उसके ऊपर देखना LTE लिखा होगा, स्टार्टिंग में GSM लिखा होता था, कुछ रिलायंस के मोबाइल्स आते थे उसमें CDMA लिखा होता था, जहां पे सिम नहीं पड़ती थी, अगर आपको याद हो तो, है ना। तो ये सब क्या है, सेलुलर टेक्नोलॉजीज, ठीक है, मोबाइल टेक्नोलॉजी से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स इज फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री एंड ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, आप किसी भी लैपटॉप में उसका यूज कर सके। अब देखो iOS की बात करें तो आप अपने लैपटॉप में iOS इंस्टॉल नहीं कर सकते, एप्पल का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यूनिक्स और लिनक्स आप यूज नहीं कर सकते हो, एक ऐसा विंडोज ही एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको फ्री में मिल जाएगा, है ना, पायरेटेड मिल जाएगा इसको हम कह सकते हैं। तो फ्री एंड ओपन सोर्स कोर्स है विंडोज, ठीक है। नेक्स्ट 27th क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 27th क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड, एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है कि किसी काम को करना है ना, प्रोसेस करना किसी काम को, तो इसका इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, व्हेन फाइल इज डिलीटेड इन विंडोज इट मूव टू, ऑब्वियस सी बात है रिसाइकल बिन होता है, आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर आइकन बना होगा रिसाइकल बिन का, इसका आंसर क्या होगा, रिसाइकल बिन। तो इजी लेवल के क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है अभी तक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नॉट अलाउड इन अ फाइल नेम इन विंडोज। अगर आप कोई फाइल बनाते हो, फाइल नेम रखते हो, तो कौन सा ऐसा आपका है जो यूज नहीं हो सकता है, कौन सा ऐसा ऐसा पॉइंट है, कौन सा ऐसा सिंबल है जो आप यूज नहीं कर सकते। तो दोस्तों स्टार आप यूज कर सकते हो, ठीक है, एंड यूज कर सकते हो, हैश यूज कर सकते हो, क्या यूज नहीं कर सकते हो आप, स्टार, स्टार का यूज नहीं नहीं होता है, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आएगा हमारे पास, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स इन विंडोज। विंडोज में अगर रन वाला खोलना है, ओपन करना है डायलॉग बॉक्स, तो शॉर्टकट कीज क्या होती है, उसकी शॉर्टकट की होती है दोस्तों विंडो आर, विंडो की को दबा के आर दबाओगे तो वो खुल जाता है ना, उसके ऊपर अगर विन वर्ड लिखोगे WINWORD तो आपका वर्ड वर्ड खुल जाएगा, है ना। CMP.CPA लिखोगे तो आपका इंटरनेट वाला सिस्टम खुल जाएगा, आप कोई भी अगर आप किसी कनेक्शन के साथ जुड़े हुए हो, लैंड नेटवर्क के साथ हो, तो वो नेटवर्क का आप आईपी एड्रेस डालोगे तो पूरा नेटवर्क खुल जाएगा, तो हर एक चीज उसके साथ ही होती है, कमांड प्रॉम्प्ट वहां से आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा विंडोज लोगो की प्लस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट वेब ब्राउजर इन विंडो 10 फ्रेश इंस्टॉलेशन। अगर आप विंडो 10 इंस्टॉल करवाते हो तो कौन सा वेब ब्राउजर आपको उसके साथ ही मिलेगा। तो दोस्तों देखो, एक आपने देखा होगा कि जो भी होता है कि इसका एज का क्या क्या काम होता है, जो इंटरनेट जो चलाता है ब्राउजर होता है एज, उसका काम क्या होता है, तो एक बच्चा नीचे लिखता है कि उसको क्रोम को इंस्टॉल करने के लिए, क्रोम को डाउनलोड करने के लिए, है ना। तो दोस्तों मोजिला, क्रोम और सफारी, सफारी तो देखो एप्पल वालों में होता है, ठीक है, सब में नहीं होता है, क्रोम और मोजिला जो है ये हम बाद में डाउनलोड करते हैं, है ना, जो एज है वो आपको उसके साथ ही मिलेगा,
जो एज है वो माइक्रोसॉफ्ट का इनबिल्ड होगा जब आप विंडो 10 उसमें इंस्टॉल करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32। इसमें क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रन स्नाइप एंड स्केच टूल इन विंडो 10। तो स्नाइप और स्केच का जो शॉर्टकट की होता है दोस्तों वो होता है शिफ्ट प्लस विंडो प्लस एस। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्या है हमारे पास मिसलिनियस क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें विच विच कमांड इन विंडो 10 प्रोवाइड्स ऑप्शन टू मैनेज द कंप्यूटर डिस्क ड्राइव्स। अगर आपने पार्टीशन करनी है कोई भी आपकी जो डिस्क है उसको सी डी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए जो कमांड होती है दोस्तों वो होती है डिस्क पार्ट। उसकी कमांड क्या होती है? डिस्क पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34। इसमें क्या क्या कहा गया है कि विच कमांड इन विंडो 10 डिस्प्ले आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस को अगर आपने देखना है तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके अगर आप लिखोगे आईपी कॉन्फिग, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो आईपी एड्रेस होगा आपके पर्टिकुलर पीसी का वो शो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विच फीचर ऑफ विंडो 10 अलाउज द यूजर टू क्विकली मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज एक्सेप्ट द एक्टिव वन। तो इसके लिए दोस्तों जो हमारे पास होता है वो होता है शेक। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36। इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज द एक्टिव एप्लीकेशन विंडो इन विंडोज 10। आपने देखा होगा कोई भी अगर आप काम कर रहे हो अगर आपने उसको क्लोज करना है तो उसकी जो शॉर्टकट की रहती है वो रहती है ऑल्ट प्लस F4। ठीक है, विंडो को शट डाउन करने के लिए, शट डाउन करने के लिए जो डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की होती है वो भी यही होती है ऑल्ट प्लस F4। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट अ बिल्ट इन स्लाइड लेआउट इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट की स्लाइड की अगर हम बात करें दोस्तों तो उसमें टाइटल एंड कंटेंट का होता है एक स्लाइड, उसमें कंपैरिजन के स्लाइड्स इनबिल्ट होते हैं, टाइटल स्लाइड उसमें होती है और समरी वाली जो स्लाइड है वो नहीं होती, समरी हमें खुद बनानी होती है। तो बिल्ट इन कौन सी नहीं है? समरी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइड्स डैश और विजुअल इफेक्ट्स दैट अपेयर एज वन स्लाइड चेंजेस टू अनदर। इसका दोस्तों जो आंसर रहेगा, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ट्रांजिशन, कि मान लो एक स्लाइड से आपने दूसरी स्लाइड तक जाना है और आप चाहते हो कि अच्छा सा एक विजुअल इफेक्ट बने, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? हम एनिमेशन यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी की तरह ही है दोस्तों। उसमें क्या है कि विच इज ए विजुअल इफेक्ट दैट एडेड टू द टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन अ स्लाइड रैदर देन टू द स्लाइड इटसेल्फ। स्लाइड के अंदर जब हम कोई ग्राफिक्स लगाते हैं टेक्स्ट के फॉर्मेट में तो उसको बोला जाता है दोस्तों एनिमेशन। ठीक है, तो आप नेक्स्ट जब मेरी क्लासेस देखोगे तो उसमें मैं काफी एनिमेशन का यूज करता हूँ, ट्रांजिशन का भी कई बार यूज करता हूँ, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा उसमें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीज मस्ट बी प्रेस्ड व्हाइल ड्राइंग ओवल टू मेक अ परफेक्ट सर्कल इन एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट में अगर आपने सर्कल बनाना है तो सर्कल बनाने के लिए अगर आप शिफ्ट की का यूज करोगे तो एक परफेक्ट सर्कल बनेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि व्हेन यू क्लिक अ प्लेस होल्डर, ठीक है, और एन ऑब्जेक्ट इन एमएस पावर पॉइंट द साइजिंग हैंडल अपीयर्स अराउंड इट। साइजिंग के लिए कौन कौन कितने प्लेसेस होते हैं ये हम देखेंगे। जैसे मान लो ये मेरे पास एक शेप है तो इसको अगर मुझे रीसाइज करना है तो उसके लिए देखो एक मैं यहां से भी कर सकता हूँ चेंज, इसको यहाँ से लेंथ इंक्रीज कर सकता हूँ, यहाँ से देखो इसको ओवरऑल इंक्रीज किया जा सकता है, एक यहाँ पे और कुछ इस तरीके से हमारे पास 8 प्लेसेस हो जाते हैं, 8 प्लेस होल्डर्स बच जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए 42nd क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अ पावर पॉइंट डैश इज ए पैटर्न और ब्लूटूथ प्रिंट ऑफ अ स्लाइड और ग्रुप ऑफ स्लाइड्स दैट सेव्ड एज अ .potx फाइल। एक्सटेंशन है दोस्तों, अगर पावर पॉइंट की एक्सटेंशन की बात करो तो PPTX होती है उसकी, बट POTX किसका होता है? हमारे पास टेम्पलेट का, टेम्पलेट का जो हमारे पास एक्सटेंशन होता है वो होता है .potx। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। इसमें क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांजिशन इफेक्ट इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में इनमें से कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं होता है? तो देखो बेटा चेकबोर्ड होता है, ठीक है, डिजोल्व होता है, फेड होता है, और ये नहीं होता। तो ये इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? ड्रॉप कैप आंसर रहेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज सीपीयू डिपेंडेंट। इसमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो सीपीयू डिपेंडेंट है? तो बेटा SQL, पाइथन और जावा है हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो आंसर रहेगा इसका असेंबली लैंग्वेज। इसका आंसर क्या रहेगा? असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो बेटा स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर और मीडिया प्लेयर, ये तीनों क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, और अगर हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनता है तीन चीजों से, ऑपरेटिंग सिस्टम से जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो भी ऑप्शन में नहीं है,
और थर्ड होता है लैंग्वेज प्रोसेसर। अब लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होते हैं? ट्रांसलेटर्स, कंपाइलर, इंटरप्रेटर्स और असेंबलर्स। तो कंपाइलर लिखा हुआ है तो डी क्या होगा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46। इसमें क्या बोला गया है कि विच एरर इन अ प्रोग्राम लीड्स टू अनडिजायर्ड और इनकरेक्ट आउटपुट। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाकी एक और इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैं आपको सबको देना चाहूंगा कि हम 9 मई को JOAIT का एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उस बैच के रिगार्डिंग तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी कि किस तरीके से हमने अपना बैच चलाना है और कैसे आप अपने एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ठीक है, और अर्ली आप जल्दी से जल्दी उस पर रजिस्टर करें नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड विंडो इंस्टॉलेशन। कि जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो कौन सा सॉफ्टवेयर इनमें से नहीं होता? भाई पेंट होता है, वेब ब्राउजर होता है, एज जो अभी हमने बात करी थी, नोट पैड भी होता है, कौन सा नहीं होता है? एमएस ऑफिस, वो हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारे पास कि विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू ओपन पीडीएफ फाइल। ऑब्वियस सी बात है भाई, पीडीएफ फाइल को ओपन करने के लिए क्या चाहिए? अडोब रीडर। ठीक है जी, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 है। अब 49th क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो हमसे कि भाई व्हाट इज द एड्रेस ऑफ ए सेल एट ए रो 25 टू कॉलम 30 ऑफ एन एक्सेल वर्कशीट। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा AD25, AD25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, इसमें क्या कहा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड सेल एड्रेस। तो सेल का एड्रेस जो भी होता है उसमें अल्फा न्यूमेरिक काउंटिंग होती है, उसमें काउंटिंग भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इसमें नंबर्स नहीं है, यहाँ पे 5, 5 और 5 है, यहाँ पे नहीं है, तो ये आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन द सेल रेंज ऑफ B2 to F12 एंड MX XL। तो ये क्वेश्चन आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो दोस्तों, लेकिन मैं आपको आंसर जरूर बता दूंगा। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस करने लायक नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 52 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 53, इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए सेल कंटेनिंग द फॉर्मूला गिवन बिलो। अब फॉर्मूला क्या है? इज इक्वल टू 5 × 900%। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 45। ठीक है, सिंपल मैथ से भी कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द एड्रेस ऑफ ए सेल रेंज A3 to G5 इन MS Excel। तो इसका जो आंसर होने वाला है दोस्तों, इसका आंसर होगा A3 to G5, ये रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा एमएस एक्सेल का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिटर्न बाय द फंक्शन इज इक्वल टू काउंट A1 to D5। तो इसका आंसर आएगा 12। सेकंड है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन द एमएस एक्सेल फंक्शन टू काउंट द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेल्स इन द गिवन रेंज। तो बेटा देखो, काउंट ए यूज किया था ना अभी हमने। ठीक है, इसका आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 57 में कि हाउ मेनी वर्कशीट्स आर प्रेजेंट इन एक्सेल वर्कबुक बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट हमारे पास कितनी वर्कशीट्स होती हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 3। तो डिफॉल्ट वाले देखो, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो पावर पॉइंट हो, चाहे वो एक्सेल हो, ये तो सारा ही हमने पढ़ना है, क्योंकि इसके ऊपर आप देख रहे हो कि 7-8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे। 2-3 हो भी चुके हैं, 5-6 हो रहे हैं आगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए, ये भी देखो डिफॉल्ट का ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट एमएस एक्सेल डिफॉल्ट सेल अलाइनमेंट। अब ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, ठीक है, आगे भी आएगा, दिखाऊंगा आपको मैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है बेटा कि टेक्स्ट जो होता है वो लेफ्ट अलाइंड होता है और जो नंबर्स होते हैं वो राइट अलाइंड होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, टेक्स्ट इज अलाइंड लेफ्ट एंड नंबर्स आर लाइंड अलाइंड राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 59, ये भी फॉर्मूला का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 60 में बोला गया है कि रोटेटिंग द डेटा फ्रॉम रोज टू कॉलम और वाइस वर्सा इन ए वर्कशीट इज कॉल्ड, भाई इसे कहा जाता है ट्रांसपोजिंग। ठीक है, रोज टू कॉलम और कॉलम टू रोज करना, इसको कहा क्या जाता है? ट्रांसपोजिंग। ठीक है, नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 61, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चार्ट टाइप सपोर्टेड बाय एमएस एक्सेल। एक्सेल में कौन सा चार्ट सपोर्ट नहीं करता है? एरिया चार्ट होता है, स्कैटर प्लॉट होता है, लाइन चार्ट भी होता है, इसमें क्या नहीं होता है? वॉल्यूम चार्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है वो कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इन एमएस एक्सेल लेट्स यू रिकॉर्ड अ सीक्वेंस ऑफ की स्ट्रोक्स एंड प्ले देम अगेन व्हेन रिक्वायर्ड। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मैक्रो। ठीक है, टेक्निकल चीजें हैं, जब हम एमएस एक्सेल करेंगे उसमें हर एक चीजें आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेसेस इज नोन एज लूप बैक एड्रेस। तो बेटा लूप बैक एड्रेस की बात हो रही है यहाँ पे, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब
जिस स्टूडेंट का ये पेपर है उसने डी लगा रखा है, लेकिन डी नहीं है बेटा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा, ठीक है जी। बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड टू मैपिंग IPv4 एड्रेसेस टू मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेसेस। देखो जो IPv1 होता है, IPv4 जिसमें जो एड्रेसेस होते हैं वो होते हैं 2^32, एक होता है IPv6 जिसमें एड्रेसेस होते हैं 2^128। तो 120 IPv4 की बात हो रखी है, तो इसका आंसर होगा हमारे पास ARP, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड IPv4 एड्रेस। अब देखो दोस्तों, IPv4 जो एड्रेस होता है उसके IP एड्रेस में जो वैल्यूज हैं वो 255 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 255 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो सारी 255 से कम है, यहाँ भी 255 से कम है, तो आंसर क्या होगा, ये 260 वाला, ये वैलिड IP एड्रेस नहीं है IPv4, ठीक है, तो 255 याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स मेक यूज ICMP मैनेजेस टू टेस्ट द रीचेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पिंग, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये भी एक टेक्निकल टर्म है जिसको हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन सपोर्टेड बाय IBM। IBM क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी है ये, ठीक है। और इसका जो पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन सी है, रेड हैट, ठीक है, क्या है, रेड हैट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच इज ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ IT रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट विद पे एज यू गो प्राइसिंग, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग, इट इज अ टाइप ऑफ मेमोरी, ठीक है, क्लाउड स्टोरेज आपने सुना होगा, ठीक है, तो प्राइसिंग के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट देखो, विच वायरस रिलीज्ड इन 1986 इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट IBM PC कंपेटेबल वायरस। तो बेटा इसका नाम था हमारे, जो कौन सा वायरस था हमारे पास, ब्रेन, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, विच इज अ मालवेयर दैट लुक्स लाइक ए जेन्युइन एप्लीकेशन टू द यूजर। इसका नाम आपने बहुत सुना होगा दोस्तों, इसका नाम है ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। मालवेयर होता है, एडवेयर होते हैं, स्पाईवेयर होते हैं, काफी तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो जिनको वायरस कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में जब हम वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे तो ये डिटेल्ड में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया फुल फॉर्म ऑफ TCP/IP। हाँ जी, आसान क्वेश्चन है, मिसलिनियस में काउंट करेंगे इसको भी, फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसका आंसर है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 दोस्तों, इसमें क्या है कि विच इज अ प्लेन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट ब्राउजिंग सेशन स्टोर ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर बाय वेब सर्वर। तो बेटा ये क्या होते हैं, आपने सुना होगा ना कुकीज, हम उसको इरेज करते होते हैं कई बार, है ना, हिस्ट्री के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हु इज द फॉलोइंग नोन एज द फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। हाँ जी, स्टैटिक क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा ऐसा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो फाइल को क्या करता है, कंप्रेस करता है। तो दोस्तों विनजिप इसका क्या है, आंसर है। ये आप चेक कर सकते हो, कोई भी फाइल पे राइट क्लिक करोगे विनजिप आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच इज द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट स्विचेस टू वन सेवरल इनपुट लाइन्स थ्रू द सिंगल कॉमन आउटपुट लाइन। मल्टीपल हमारे पास इनपुट लाइन्स है, उनको एक सिंगल आउटपुट लाइन्स में कन्वर्ट करना है, तो कौन सा सर्किट यूज होता है इसके लिए, मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, HTML के क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी हैं, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग्स यूज टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन इन द वेब पेज। तो उसके लिए टैग कौन सा यूज होता है हॉरिजॉन्टल के लिए, तो भाई ऑप्शन नंबर बी, HR टैग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी हेडिंग लेवल्स आर सपोर्टेड बाय HTML, कितने हेडिंग्स होते हैं, 6। बेसिक बेसिक क्वेश्चन है HTML के, ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है ये, जो वो क्वेश्चन है जो HTML की पहली क्लास में कवर हो जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग यूज टू क्रिएट सेल इन ए टेबल रो, ठीक है। तो टेबल रो ये देखो जी, कौन सा टैग यूज होगा, TD वाला, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ एन IMG HTML एलिमेंट इज यूज टू स्पेसिफाई द URL ऑफ द इमेज फाइल, ठीक है। तो उसके लिए आंसर आएगा हमारा SRC, इसका आंसर क्या होगा, SRC होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि भाई हाउ एन इनलाइन CSS इज यूज इन एन HTML डॉक्यूमेंट। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बाई यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ HTML एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 है, व्हाट इज द करेक्ट CSS रूल टू सेट बैकग्राउंड कलर ऑफ HTML एलिमेंट इन रेड।
ठीक है, तो भाई रेड अगर आपने बैकग्राउंड करना है तो उसके लिए ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास, इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एचटीएमएल टैग्स यूज्ड टू क्रिएट हाइपरलिंक इन अ वेब पेज। तो हाइपरलिंक कौन सा यूज, हाइपरलिंक बनाने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं हम, ए टैग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन एनालॉग कंप्यूटर, कि एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है। तो भाई पहले क्या है, इनपुट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म। बिल्कुल नहीं, जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं जैसे स्पीडोमीटर आपकी गाड़ी में लगा हुआ है, आपकी वॉल के ऊपर जो घड़ी है आप देख रहे हो, एनालॉग जो होती है सुइयों वाली घड़ी है ना, तो वो डिजिटल में कन्वर्ट थोड़ी करती है। सेकेंड, इनपुट नेवर कन्वर्टेड इंटू डिजिटल फॉर्म, ये बिल्कुल सही है, डिजिटल फॉर्म में कभी भी डेटा कन्वर्ट नहीं होता। नेक्स्ट इज, आउटपुट इज डिस्प्लेड इन डिजिटल फॉर्म, बिल्कुल नहीं, एनालॉग फॉर्म में ही डिस्प्ले होगी। और फोर्थ, ऑल ऑफ दिस तो होगा ही नहीं क्योंकि ऊपर वाले दो भी गलत है, तो इसका आंसर होगा ओनली टू। इसका आंसर क्या होगा, ओनली टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिक यूनिट इन द सीपीयू ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू में जो लॉजिक यूनिट होता है वो क्या करता है, देखो एक होता है अर्थमेटिक यूनिट, जो क्या करता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। एक होता है कंट्रोल यूनिट, जो पूरा प्रोसेसिंग का देखता है, मैनेज करता है कि सब काम सही ठीक से हो रहा है कि नहीं, प्रोसेसिंग साइकिल को सेम रखता है। ठीक है, और जो होता है लॉजिक यूनिट, जो क्वेश्चन है वो क्या करता है, डेटा को कंपेयर करता है, वही लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू वाला कंसेप्ट। तो इसके आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी दोस्तों 9 मई को बैच ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, आप नीचे जो नंबर चल रहे हैं ना अभी, आप उन पे कॉल करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं जेवाईटी के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइकर की फुल फॉर्म पूछी हुई है, कंप्यूटर जब हम चेक वगैरह आप कोई भी देखोगे, बैंकिंग के साथ एसोसिएटेड है दोस्तों, चेक के ऊपर माइकर कोड लिखा होता है और उसको स्कैन करने के लिए जो मशीन होती है वो होती है माइकर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रेकग्निशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रेकग्निशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस द लाइट बीम एंड इलेक्ट्रॉनिकली सेंसिटिव ब्लैक पाउडर। हाँ जी, कौन सा प्रिंटर है जी, ये लेजर प्रिंटर है जी। ठीक है, लाइट बीम आती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। अब ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है जी, जो परमानेंट हो। परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है, जो अगर कंप्यूटर बंद हो जाए तो वो दोबारा अगर ऑन करे तो मेमोरी रहे। तो भाई नॉन वोलाटाइल में जाता तो सेकेंडरी मेमोरी आएगी या फिर हमारी रोम आएगी, रीड ओनली मेमोरी, जिसमें इंस्ट्रक्शंस होती है कंप्यूटर को बूटिंग करने, बूटस्ट्रैप की जिसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो इसका आंसर होगा रोम। इसके अलावा रैम जो होती है वो होती है वोलाटाइल मेमोरी, एक बार कंप्यूटर शटडाउन हुआ तो रैम इरेज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है LSI एंड VLSI। ये क्या होता है, LSI क्या होता है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, VLSI क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जब हम ट्रांजिस्टर से सेकंड जनरेशन में जब ट्रांजिस्टर थे उसको जब हम माइक्रो प्रोसेसर पे गए थे थर्ड जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में, तो वहां पे हमने ये करा था। ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन थर्ड जनरेशन में थी और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन फोर्थ जनरेशन में थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 88, इसमें क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डज नॉट, सेकेंडरी स्टोरेज को क्या नहीं चाहिए, उसको क्या नहीं चाहिए, कॉन्स्टेंट पावर। अगर लाइट चली भी जाती है डेटा हमारा स्टोर ही रहेगा हमारी हार्ड डिस्क में, वो इरेज नहीं होगा। हम भी शट डाउन कर ही देते हैं ना अपने कंप्यूटर्स को, तो डेटा जो हमारी मूवीज वगैरह होती है वो रहती है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कन्वर्जन है दोस्तों, कन्वर्जन अभी निकलवाऊंगा नहीं, बस आपको आंसर बता देता हूँ इसका। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द विच इज अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स दैट टुगेदर कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स टुगेदर कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए होता है दोस्तों, उसके लिए चाहिए होता है सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये सब क्या है हमारे पास, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से अगर वो ना भी हो तो कंप्यूटर ऑपरेशंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी ट्विटर को परचेज कर लिया गया है बाय एलन मस्क और डील हुई है 44 बिलियन की, पता चल गया होगा आप सभी को भी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए, विच इज क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज। किसको हम लो लेवल लैंग्वेज कहेंगे बेटा, कोबल क्या होती है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, ये दोनों क्या हाई लेवल लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज की बात करें तो इसे हम बोलेंगे लो लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू इंस्टॉल अ न्यू प्रोग्राम इन योर कंप्यूटर इट टिपिकली एडेड टू दी। अगर कोई भी प्रोग्राम हम इंस्टॉल करते हैं तो वो कहाँ जाता है, ओल्ड प्रोग्राम्स में। ठीक है, ओल्ड प्रोग्राम्स में। चलिए नेक्स्ट देखो, विच टर्म इज यूज इन MS वर्ड टू डिस्क्राइब द एक्ट ऑफ करेक्टिंग समथिंग। MS वर्ड में अगर आपने कुछ करेक्ट करना है तो आप क्या करते हो, एडिट करते हो डेटा को, तो आंसर क्या रहेगा इसका, एडिटिंग। आंसर क्या रहेगा इसका, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, इरेज, करेक्टिंग कुछ नहीं होता। ठीक है,
नेक्स्ट देखो जी, बाय डिफॉल्ट द कंटेंट सेल कंटेंट अलाइनमेंट इन एमएस एक्सेल इज, हाँ जी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी कहा था मैंने आपको क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड एंड नंबर राइट अलाइंड, ठीक है पहले भी डिस्कस किया था इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 95, इसमें क्या कह रहा है वो, द फाइल विच कंटेन्स रेडीमेड स्टाइल स्लाइड्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ एमएस पावर पॉइंट, पावर पॉइंट में जो ऑलरेडी डिजाइन आइडियाज होते हैं उनको क्या बोला जाता है दोस्तों, टेम्पलेट, उसको क्या बोला जाता है, टेम्पलेट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है जी टेम्पलेट के ऊपर। नेक्स्ट देखो इकलौता क्वेश्चन डीबीएमएस का, डीबीएमएस होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, विच ऑफ द एब्स्ट्रैक्शन डिस्क्राइब्स हाउ डेटा इज स्टोर, डेटा कैसे स्टोर होगा, कैसे, कौन बताता है, फिजिकल लेयर, वो कौन बताता है दोस्तों, फिजिकल लेयर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं, इसमें क्या है कि द इंटरेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ डेटा विद इन ए टाइम शेयरिंग सिस्टम मे बी बेस्ट सुटेड टू, टाइम शेयरिंग मतलब एक टाइम पे एक पर्सन बात करेगा, फिर ओवर एंड आउट, फिर दूसरा बात करेगा ओवर एंड आउट, मतलब वोकी टोकी वाली एग्जाम्पल है, तो वोकी टोकी मतलब हाफ डुप्लेक्स लाइन्स, ठीक है। चलिए अब 98th क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है, पर्सनल लॉग्स और जर्नल एंट्रीज पोस्टेड ऑन द वेब आर नोन एज, जो पर्सनल लॉग्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा कि यूट्यूब के ऊपर कई होते हैं जो अपने पर्सनल खाने पीने के कुछ बातें बता रहे हैं, कोई रेसिंग की बातें बता रहा है, कोई अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बता रहा है, ठीक है, तो वो सब क्या होता है, ब्लॉग्स, उनको क्या बोला जाता है, ब्लॉग्स। अब बाकी आपने कुछ भी नहीं सुना होगा ना, सब्जेक्ट डायरेक्टरीज, लिस्ट सर्वर्स, वेब चार्ट्स, कुछ भी नहीं, कार्ड्स, कुछ भी नहीं सुना होगा आपने, है ना, तो ब्लॉग्स इसका आंसर होगा, ब्लॉगिंग करते हैं ना कई लोग। नेक्स्ट देखिए, वर्म्स नॉर्मली मूव अराउंड द इन्फेक्ट अदर मशीन थ्रू, वर्म्स इट्स अ टाइप ऑफ वायरस, ओके, और ये कैसे जाते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू, मेरा कंप्यूटर अगर आपके साथ अटैच्ड है, आपके कंप्यूटर के साथ अगर अटैच्ड है तो वर्म ट्रांसफर होने की काफी पॉसिबिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट है, एनएएनडी गेट्स कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म विच टाइप ऑफ ऑपरेशंस, भाई एंड ऑपरेशन भी कर सकता है, और वाला भी कर सकता है, नोट वाला भी कर सकता है, तीनों क्या है, टाइप्स ऑफ गेट, तो आंसर होगा इसका ऑल ऑफ दीस। नेक्स्ट इज द कंपाइलर कन्वर्ट्स यूर सी प्लस प्लस इंस्ट्रक्शन इनटू, कंपाइलर क्या होता है, ट्रांसलेटर, तो सी प्लस प्लस हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, यानी कि सोर्स कोड में करेगा ये कन्वर्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएस डोस, ये होता क्या है, एमएस डोस, एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट, डोस मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम था ये पहले, ठीक है, आजकल तो विंडो विंडो चल गया ना, पहले डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, स्पोर्ट्स द फाइल नेम्स अप टू 8 कैरेक्टर्स ऑफ लेंथ, इसका आंसर क्या होगा, 8। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 103rd क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चंस आ गए जीएस के, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपको इसके आंसर बता दूं और जितना मैक्सिमम हो सके इसको कर दूं, क्योंकि ये मेरा फील्ड नहीं है एक्चुअल में, मैं आपको कंप्यूटर का, मैथ का, रीजनिंग का बता सकता हूं अच्छे तरीके से, तो चलिए कोशिश करते हैं, इसका भी आंसर तो बता दूंगा, डोंट वरी। क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ा है, पहला चैप्टर यही होता है एएमसी का, है ना, एंशियंट इंडिया का सबसे पहला चैप्टर यही होता है 2500 बीसी टू 1750 बीसी तक, तो इसमें आपने देखा था पक्के घर थे, पक्की इंटों के घर थे, और यही सबसे ज्यादा मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर था इसका, है ना, क्योंकि बाकी चीजें तो हर जगह आपको देखने को मिल जाएगी, हर एक सिविलाइजेशन में देखने को मिलेंगी, लेकिन पक्की इंटों का यूज इतने टाइम पहले ये बहुत रेयर चीज थी, तो ये सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट चीज है, ठीक है। बाकी आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी हर जगह था, बिल्डिंग्स ऑफ वर्शिप भी थी, मंदिर वगैरह में, ठीक है ना, बट बर्नड ब्रिक बिल्डिंग्स जो थी वो सबसे पहले इसमें थी, जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है ना। नेक्स्ट देखिए, द चीफ इंपैक्ट ऑफ द वैदिक कल्चर ऑफ इंडियन हिस्ट्री वॉज, इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा चीफ इंपैक्ट किसने डाला, आप देखो ये सारे चारों के चारे आंसर हो सकते हैं इसके, लेकिन आपसे पूछा है चीफ इंपैक्ट, तो बेटा फिलोसफी भी थी इसमें, ग्रोथ ऑफ संस्कृति, संस्कृति ग्रोथ यहीं से शुरू हुई थी, है ना, काफी आप देखते हो ऋग्वेद वगैरह लिखे गए हैं यहाँ पे, तो काफी कुछ लिखा गया था, लेकिन कंसोलिडेशन ऑफ कास्ट सिस्टम वो इसी से शुरू हुआ था, हमारा वैदिक कल्चर से ही शुरू हुआ था, ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट आएगा हमारे पास 105, बुद्धा प्रीचिंग वर मेनली इन रिगार्ड टू, बुद्धा की जो प्रीचिंग थी वो किसके लिए थी, आइडल वर्शिप बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिलीफ इन वर्ड गॉड बिल्कुल भी नहीं, प्रैक्टिस ऑफ रिचुअल बिल्कुल भी नहीं, तो आंसर क्या बचेगा, प्योरिटी ऑफ थॉट्स एंड कंडक्ट, ठीक है, कि विचार और आचरण की शुद्धता के लिए, है ना, बुद्धा का मेन मोटिव यही था। नेक्स्ट देखिए 106 क्वेश्चन, हिंदू कॉलोनीज वर फाउंडेड इन साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज मोस्टली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द, अगर मैं बात करूं गुप्तास की, नॉर्थ इंडिया में रूल करा है इन्होंने, मौर्यस ने नॉर्थ इंडिया में करा है, राजपूत ने नॉर्थ वेस्ट में रूल करा है, और चोलास ये डेकन में थे, है ना, और इनका जो राज था ये बहुत मतलब कि साउथ ईस्ट एशिया मतलब कंबोडिया मलेशिया इंडोनेशिया की तरफ भी था,
आपने देखा होगा कंबोडिया में अंगोरवाट टेम्पल भी है, ठीक है ना, वो इनकी ही देन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, चोलास। तो ये साउथ की डेक्कन की जो हिस्ट्री है उसके बारे में दिखाया गया है ना, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 107। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के डाउनफॉल के लिए इनमें से कौन सा रीजन जो है वो सुटेबल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पहला देखो, डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। डेक्कन पॉलिसी मतलब साउथ पे अटैक कर रहे थे औरंगजेब ने, है ना, मराठास के साथ काफी लड़ाइयां लड़ी और ये इसका कारण था डाउनफॉल का, क्योंकि काफी सैनिक मरे थे, काफी खर्चा होता है इसका, ठीक है ना। दूसरा, रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब, हम सबको पता है कि काफी कट्टर था वो, ठीक है, रिलीजन को लेके, तो ये भी एक रीजन था उसके डाउनफॉल का। रिवोल्ट इन द वेरियस प्रोविंसेस ऑफ द एम्पायर, रिवोल्ट होने शुरू हो चुके थे काफी प्रोविंसेस में, तो ये भी एक रीजन था डाउनफॉल का, ठीक है। बट अगर हम बात करें मनसबदारी सिस्टम, तो ये वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम था जिसको दिल्ली सल्तनत से शुरुआत हुई थी और औरंगजेब तक ये चलता रहा, ठीक है, अकबर के टाइम पे ये काफी प्रचलित हुआ था, ठीक है। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, पल्लवास किंग्स आर रिमेम्बर्ड एज द मेकर ऑफ रोकड़ टेम्पल्स एट। अब देखो, चोलास के टाइम पे भी काफी रोकड़ टेम्पल्स बने हैं, ठीक है, लेकिन पल्लवास ने इनकी शुरुआत करी थी, ठीक है। और ये जो टेम्पल बने थे, टेम्पल कहाँ बने थे, महाबलीपुरम, ठीक है, कहाँ बने थे, महाबलीपुरम, ठीक है जी। नेक्स्ट है, दो क्वेश्चन हो गए साउथ इंडिया के ऊपर, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 109, द सुल्तान हु रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अथॉरिटी ऑफ द खलीफा। टर्की का जो खलीफा होते हैं उनकी जो अथॉरिटी है उसको रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया था, कौन सा हमारा रूलर था, सुल्तान था, दैट इज कुतुबुद्दीन मुबारक, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1316 AD से लेके 1320 AD तक, ठीक है, चलिए, खिलजी डायनेस्टी का था ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आएगा हमारे पास, विच ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये तो देखो आपने 100% सबने अटेम्प्ट भी करा होगा, क्योंकि फेसबुक वगैरह पे हर जगह पे इनके बारे में काफी कुछ चर्चा चलती रहती है ना, तो जब से यूनिटी टॉवर जो बना हुआ है तब से काफी चर्चा भी है। तो इनकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी वो थी इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी, जूनागढ़ के बारे में आपने सुना होगा, है ना, उसके बाद हैदराबाद को सुना होगा, काफी स्टेट्स थी जिनको उन्होंने इंटीग्रेट किया था, तो सबसे बड़ी इनकी जो सफलता थी वो यही थी। नेक्स्ट देखिए, 111th क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा हुआ है कि व्हाई डिड रविंद्रनाथ टैगोर री अनाउंस हिज नाइटहुड। ये था देखो, जब जलियांवाला बाग में घटना हुई थी, है ना, मैसेकर हुआ था, उसके बाद उन्होंने रिनाउंस कर दिया था अपने नाइटहुड का जो टाइटल था उनका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 112, द इंपॉर्टेंस ऑफ गांधी जीस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो आंसर है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, नॉन वायलेंस वॉज एम्प्लॉयड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इफेक्टिव वेपन ऑफ मास मूवमेंट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, 113 की अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर ऑफ कॉमन टू बोथ इंडियन फेडरेशन एंड द अमेरिकन फेडरेशन। इंडियन फेडरेशन और अमेरिकन फेडरेशन में कॉमन क्या है, तो पहला ऑप्शन है सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया में है लेकिन यूएस में नहीं है, इंडिया वहां पे क्या है, ड्यूल है ना, ड्यूल जुडिशरी, यूएस में है इंडिया में नहीं है, एक जुडिशियल सिस्टम है पूरा, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी, अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट जो है वो नल एंड वॉइड कर सकता है, कोई भी अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनता है पार्लियामेंट के द्वारा, उसको सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड कर सकता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, 114th क्वेश्चन, इसमें क्या है कि विच इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन इन द आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल 19 है उसमें क्या मेंशन नहीं है, स्पेसिफिकली क्या मेंशन नहीं है, तो आर्टिकल 19 जो है ये फ्रीडम को लेके है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को लेके है, तो इसमें क्या है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बिल्कुल है, फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स बिल्कुल भी है, ठीक है, फ्रीडम टू मूव फ्रीली ये भी है, और फ्रीडम टू द प्रेस ये नहीं है, ठीक है ना। इसको जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो करते फ्रीडम ऑफ प्रेस को जो प्रैक्टिस किया जाता है वो किया जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के द्वारा, तो स्पेसिफिकली फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं लिखा हुआ कहीं भी, ठीक है ना, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम राज्यसभा मेंबर, ऑब्वियसली 30, ठीक है, ठीक है, हम ये कह सकते हैं ना। अब नेक्स्ट देखो जी, हाउस ऑफ एल्डर भी कहा जाता है इसलिए इसको। नेक्स्ट देखिए, 116th क्वेश्चन, व्हेन अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड। जब कभी भी देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है तो इनमें से क्या हो सकता है, रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट्स विल स्टॉप। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, वो चलता रहता है, डेफिनेट तो नहीं है ना इसका। पेमेंट ऑफ सैलरीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट विल बी पोस्टपोन्ड, ऐसा देखो नहीं है, सैलरी कभी भी ऐसे पोस्टपोन्ड नहीं होती है,
थर्ड है सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉयज मे बी रिड्यूस्ड, मे बी हो सकती है। हाँ जी ये आंसर हमारा हो सकता है। और नेक्स्ट क्या है, यूनिट बजट विल नॉट बी प्रेजेंटेड। देखो ऐसा नहीं है, इसकी एक एग्जांपल मैं आपको करंट अफेयर के साथ इसको ऐसे एसोसिएट करके बताऊंगा कि जब लॉकडाउन आया था तो फाइनेंशियल इमरजेंसी थी, है ना, तो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उनका डीए जो इंक्रीज होता है हर 6 महीने के बाद वो होना बंद हो गया था 1.5 साल तक, तो सैलरीज जो है वो रिड्यूस करी गई है और हो सकती है। लेकिन बजट आया था, है ना, बजट 2021 में भी बजट आया था, चाहे लॉकडाउन लगा था या नहीं लगा था पर बजट जरूर आया था, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 117, इसमें क्या बोला गया है कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स वाज डन विद द पर्पस ऑफ। नेशनलाइजेशन क्यों करेंगे, जैसे आप सभी को पता है दोस्तों कि 2 बार नेशनलाइजेशन हुई है, एक हुई है 19th of July 1969 को जहां 14 बैंक नेशनलाइज हुए थे, फिर 1980 को जहां 6 बैंक नेशनलाइज हुए थे, ठीक है। तो मेन पर्पस क्या था, तो देखो दोस्तों जब भी हमको गवर्नमेंट कोई भी अगर पॉलिसी चलानी है, कोई भी अगर स्कीम देनी है गरीब जनता के लिए, ठीक है, जो आम जनता के लिए, तो उसको अपना बैंक चाहिए रादर देन प्राइवेट बैंक्स, ताकि उसको इजीली सर्कुलेट किया जा सके पूरी स्कीम को, ठीक है, इफेक्टिवली। तो इसका जो आंसर है वो है कंसोलिडेटिंग द इकोनॉमी, कंसोलिडेटिंग द इकोनॉमी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 118, इसमें क्या बोला गया है, एन इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट टू मॉनेटरी पॉलिसीज। अगर आपने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी है इकोनॉमी में या बैंकिंग में तो आपने देखा होगा कि उसमें कुछ टर्म्स आती है, LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसमें बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट होता है। इसके अलावा SLR पढ़ा होगा, स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी रेशियो, आपने कैश रिजर्व रेशियो CRR पढ़ा होगा, तो ये तो डायरेक्ट है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट कौन सा होगा, देखो SLR नहीं होगा, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो नहीं होगा, बैंक रेट नहीं होगा, क्योंकि ये भी LAF के अंडर आता है। तो आंसर क्या होगा इसका, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है, ये इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास 119th क्वेश्चन, इसमें क्या है द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की दोस्तों जो लोएस्ट लेयर होती है उसको क्या बोला जाता है, ट्रोपोस्फेयर। उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए दैट इज ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक, कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज मार्स, ठीक है जी। तो लाइमस्टोन से ही बनता है मार्बल, हाई प्रेशर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 121, अ स्ट्रेच ऑफ सी वाटर पार्शली और फुली सेपरेटेड बाय नैरो स्ट्रिप्स फ्रॉम द मेनलैंड इज कॉल्ड। तो देखो ये जो सी वाटर होता है जो पार्टली में फुली सेपरेटेड हो जाता है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रिप से, उसको बोला जाता है लगून या फिर समुद्र तार, लगून बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडियन डेजर्ट इज नोन एज, जो इंडिया में डेजर्ट है जो हमारा राजस्थान में है उसको क्या बोला जाता है, थार, सहारा अफ्रीका में, वो भी चाइना में, ठीक है। नेक्स्ट इज लोकटक इज अ, लोकटक क्या है, लेक है, पढ़ा हुआ है सबने इसके बारे में, लोकटक क्या है, लेक है, मणिपुर में है आई थिंक, है ना। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिकम्स द एरिया ऑफ लो प्रेशर इन द समर। समर में लो प्रेशर कौन से एरियाज में होता है, तो बेटा इसका आंसर वो है जहां हम रहते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न, ठीक है, जैसे चंडीगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ये लो प्रेशर वाले एरिया रहते हैं, ठीक है, समर में। नेक्स्ट देखिए 125th क्वेश्चन, द वैली ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट। हाँ जी उत्तराखंड की है जी, ये नेशनल पार्क है वैली ऑफ फ्लावर्स, जैसे राजा जी पार्क है, जिम कॉर्बेट है, कुछ नेशनल पार्क है हमारे पास उत्तराखंड में, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि आप कमेंट्स में अपने अपना जो हिमाचल की जो नेशनल पार्क है वो कमेंट में जरूर लिखे, ठीक है। बाकी दोस्तों 9 मई को, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 9 मई को बैच शुरू कर रहे हैं हम JOAIT का, रजिस्टर आप अर्ली रजिस्टर कर सकते हो, नंबर जो है आपको जो दिख रहा होगा एक स्ट्रिप में चलता हो, उस नंबर पे आप कॉल करके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मुंबई हाई इज रिलेटेड टू, मुंबई हाई किस चीज के लिए रिलेटेड है दोस्तों, ये पेट्रोलियम के लिए के रिलेटेड है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेस्पिरेशन प्रोसेस रिक्वायर्स, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन प्रक्रिया, तो भाई अगर आपने सांस लेना है तो सबसे जरूरी क्या है, सबसे जरूरी क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास द लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, फ्रुक्टोज फ्रूट्स में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया आर एडवाइज टू यूज, मायोपिया मतलब दूर की दृष्टि कम होना, है ना, आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो लोग चश्मे पहनते हैं उनको मायोपिया की प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए सजेस्ट किया जाता है कि आप कनकेव लेंसेस पहने, इसका आंसर क्या होगा, कनकेव लेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, द डिवाइस इस यूज टू चेंज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फैन, ये सबसे आसान क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, सबको ही आता होगा, रेगुलेटर होता है ना, उसका यूज करते हैं हम स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आएगा केमिकली लाइम वाटर इज, जो केमिकली लाइम वाटर होता है वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2,
है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 132 क्या लिखा हुआ है, विच मेटल इज प्रोटेक्टेड बाय द लेयर ऑफ इट्स ओन ऑक्साइड, कौन सा मेटल है जो अपने ऑक्साइड की लेयर बनाता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है अपने आप को। तो कैल्शियम तो नहीं होगा बेटा क्योंकि ये मेटल नहीं होता, ठीक है। बाकी सिल्वर नहीं है इसका आंसर, आयरन को जंग लग जाता है आपको पता है। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, जिसके बर्तन बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्वेश्चन आए हैं हमारे पास एचपी जीके के दोस्तों। इसमें क्या है, पहला कि स्पीति एंड किन्नौर आर सेपरेटेड फ्रॉम तिब्बत बाय विच माउंटेन रेंज, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों जंस्कार, ठीक है, जंस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हंगरंग वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज किन्नौर। ये आई थिंक आप सभी को पता होगा क्योंकि आई थिंक एचपी जीके में आपसे ऊपर कोई भी नहीं है, है ना। एचपी जीके आप सबको अच्छे से आती होगी, 15 क्वेश्चन एचपी जीके के पूछे गए हैं जेओआईटी के पेपर में। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ एचपी, एचपी का लार्जेस्ट रिवर कौन सा है दोस्तों, चिनाब, इसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा है वाटर की, ठीक है, तो आपसे पूछा गया लार्जेस्ट। नेक्स्ट देखिए, बाय विच नेम हिमाचल इज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द टूरिज्म मैप, टूरिज्म मैप पे हिमाचल प्रदेश को क्या बोला जाता है दोस्तों, कोई भी आप सरकारी बस देखना हिमाचल प्रदेश की, उसमें क्या लिखा होता है, देवभूमि, तो देवभूमि से रिप्रेजेंट किया जाता है हिमाचल प्रदेश को, ठीक है। नेक्स्ट है, सितिधर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, सितिधर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल के, दैट इज कुल्लू, इसका आंसर क्या होगा, कुल्लू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ एचपी विधानसभा, एचपी विधानसभा के पहले डिप्टी स्पीकर कौन थे, दैट इज कृष्ण चंद्र, क्या है, कृष्ण चंद्र, ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 139 आपसे पूछा गया है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ जॉइंट मीटिंग ऑफ शिमला हिल्स स्टेट्स रूलर्स एंड प्रजामंडल रिप्रेजेंटेटिव हेल्ड इन द जनवरी 1948 एट सोलन, तो दोस्तों इसका आंसर होगा दुर्गा सिंह, इसका आंसर क्या होगा, दुर्गा सिंह, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन डिड द पॉपुलर मिनिस्ट्री हेडेड बाय द डॉक्टर वाई एस परमार अज्यूम ऑफिस इन द पार्ट सी स्टेट ऑफ एचपी, देखो 24 मार्च आप सबको पता है कौन सा हमारा कौन सा ईयर था, वो था 1952, इसका आंसर क्या होगा, 1952, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सिख गुरु इज लिंक्ड विद द पोंटा साहिब गुरुद्वारा, पोंटा साहिब गुरुद्वारा के लिए कौन से सिख गुरु इनका लिंक है, दैट इज गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है, दसवीं पातशाही है, ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। नेक्स्ट देखो जी, क्वेश्चन नंबर 142 इसमें क्या लिखा हुआ है कि हु इज द क्रिएटर ऑफ द मोरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ मोर शिमला दैट डेपिसिट द एप्पल प्लकिंग स्किल्स ऑफ हिमाचली पीपल, ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो आएगा एमसी सक्सेना, इसका आंसर क्या होगा, एमसी सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कांगड़ा रूलर एक्सेप्टेड द रूल ऑफ अकबर, कौन सा ऐसा हमारे पास कांगड़ा रूलर था जिसने सबसे पहले एक्सेप्ट किया था रूल ऑफ अकबर, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मचंद, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, धर्मचंद, ठीक है। नेक्स्ट इज, ऑन व्हाट डेट डिड द इंडियन पार्लियामेंट पास द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एज ए स्टेट जो एक्ट था कब पास हुआ था, 18th of December 1970, ठीक है। इसमें एक और डेट है देखो दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, वो है ये वाली 1st November 1966, इसको हरियाणा डे भी बोला जाता है या मॉडर्न पंजाब डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कल्यांग बाक्यांग एंड बनियांगचू आर द फेमस डांसेस ऑफ, कहां के फेमस डांसेस हैं ये डांसेस हैं किन्नौर के, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, किन्नौर, ठीक है। उसके बाद देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विच इन विच ईयर द टारगेट ऑफ टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन वॉज अचीव्ड इन एचपी, तो ये बहुत गर्व करने वाली बात है दोस्तों कि हिमाचल में गांव गांव तक बिजली पहुंची थी 1988 में, और हमारे देश में कई जगह ऐसे ऐसे भी हैं जहां पे अभी तक टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है, ठीक है, तो ये काम हिमाचल प्रदेश ने कर दिया था 1988। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु रिसीव्ड द फर्स्ट पहाड़ी गांधी बाबा कांशी राम अवार्ड, तो पहला किसने जीता था दोस्तों, इनका नाम है हमारे पास जयदेव किरण, इनका नाम क्या है, जयदेव किरण, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसमें क्या बोला गया है कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सर्न हैज रिसेंटली सस्पेंडेड द ऑब्जर्वर स्टेटस ऑफ विच कंट्री, करंट अफेयर का क्वेश्चन है और हम आपको सबको पता होना चाहिए कि आजकल किस कंट्री को बाइकॉट किया जा रहा है, तो इसका आंसर क्या है, रशिया, ठीक है। इसने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया था, उस वजह से काफी हर जगह से मेंबरशिप खत्म की जा रही है धीरे धीरे इनकी। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2022, भाई इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सॉल्यूशन ऑफ
कॉन्ट्रीब्यूट टू पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 150, व्हाट इज परम गंगा, इट इज अ सुपर कंप्यूटर है ना, कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, ये आईआईटी रुड़की में, तो इसका आंसर क्या है, इट इज एसोसिएटेड विद सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो जी, विच कंट्री इज लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, कौन सी कंट्री है जो लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है 2022 की, तो आंसर होएगा बेटा इसका सऊदी अरेबिया, इसका आंसर क्या होने वाला है, सऊदी अरेबिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है दोस्तों हमारे पास रीजनिंग का, इसमें क्या है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, मैं आपको कोड बता देता हूँ इसका क्या है, 12 अल्फाबेट्स का एक नाम है हमारे पास, 66 में कन्वर्ट करो और क्रॉस कर दो उसको, तो आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास रैंकिंग का, इन अ रो 24 स्टूडेंट्स, इफ जानकी वाज शिफ्टेड टू फोर्थ प्लेसेस टुवर्ड लेफ्ट, शी बिकम्स एट्थ फ्रॉम द लेफ्ट, तो अब अगर एट है चार पोजीशन शिफ्ट करने के बाद, तो पहले 12th प्लेस पे होगी, तो अगर एक तरफ से 12th प्लेस में है, टोटल अगर 24 स्टूडेंट्स है, तो दूसरे नंबर पे क्या होगा, 13th। ठीक है, कैसे, क्या फॉर्मूला होता है, टोटल माइनस लेफ्ट प्लेस प्लस वन, तो वो क्या निकल जाती है, राइट प्लेस। ठीक है, आंसर आएगा इसका 13th। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का था, ठीक है, पॉइंटिंग टू ए वुमेन इन अ फोटोग्राफ, अ मैन से शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय फादर फादर्स मदर इन लॉ, उसके पिता की मदर इन लॉ यानी कि उसकी नानी की इकलौती बेटी, तो किसी की नानी जी की इकलौती बेटी उनकी माता माँ होगी। ठीक है ना, तो मदर आंसर आएगा इसका, इसका आंसर क्या आएगा, मदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 155, अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये है हमारे पास इंग्लिश के। ठीक है, तो एंटोनियम पूछा गया है डेस्पोंडेंसी का, इसका मतलब होता है उदास होना, ठीक है, दुखी होना, ठीक है, कहीं मन ना लगना, ठीक है, तो इसका जो एंटोनियम है वो क्या है, चीयरफुलनेस, खुशी खुश रहना, ठीक है, खिलखिलाते रहना, तो आप भी खिलखिलाते रहिए, ठीक है, डेस्पोंडेंसी आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल भी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 156, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, ये भी दोस्तों वर्ड आपके लिए ही है, कॉन्स्टेंट एफर्ट करते रहोगे तो एक दिन आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है ना, तो उसके लिए जो वर्ड होता है वो होता है प्रिजर्वेंस, ठीक है, प्रिजर्वेंस। नेक्स्ट देखिए, अजीत प्रोमिस्ड मी दैट ही वुड कम, डिड नॉट टर्न अप, कह रहा उसने प्रॉमिस किया कि वो आएगा लेकिन वो आया नहीं, पर वो आया नहीं, पर मतलब बट डिड नॉट टर्न अप, ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ द ईडियम, एक ईडियम है टू कीप द बॉल रोलिंग, कर जो भी कर रहे हो वो करते रहो, ठीक है, यानी कि टू कीप द कन्वर्सेशन गोइंग, टू कीप द वर्क गोइंग, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब ये चार क्वेश्चन इंग्लिश के थे, अब नेक्स्ट फोर क्वेश्चन होंगे हमारे हिंदी के, इसमें क्या है कि सुरेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सुरेश देखो कैसे बना, सुरेश, तो इसका होगा सुरेश, ऑप्शन नंबर सी, बड़ी की मात्रा होगी। ठीक है, नेक्स्ट सुलक्षण का समास, इसका समास क्या होगा, बहुब्रीही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चोरी में प्रत्यय है, चोरी में प्रत्यय क्या होगा, चोरी ई, बड़ी ई। ठीक है, उसके बाद आएगा कौशल का पर्यायवाची, कौशल का पर्यायवाची क्या होता है, पाटव, इसका आंसर क्या होगा, पाटव। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से दोस्तों अब कंप्यूटर के आ चुके हैं। ठीक है, तो 163rd क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि डेसिमल नंबर सिस्टम है, जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें कितने डिजिट्स होते हैं, तो 0 से लेकर 9 तक कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ 10102 इन डेसिमल नंबर सिस्टम, तो इसको कन्वर्ट करना है, वैसे कुछ आपको याद होने चाहिए, 10 का 1 बनता है, 100 का 2 बनता है, ऐसे ही 1010 का क्या बनता है, 10 बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर, अब मैं अगर हेक्साडेसिमल नंबर की बात करूं तो उसमें क्या होता है, 16 टोटल अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, न्यूमेरिक 0 से 9 तक 10 हो जाएंगे जो डेसिमल में भी होता है, और उसके बाद ए बी सी डी ई एफ, एफ तक चलता है। ठीक है, एफ से ज्यादा अल्फाबेट का यूज नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अगर आप बी देखोगे तो इसमें जी का यूज हुआ है, तो एफ के बाद आता है ना, तो एफ के बाद जो भी हमारा अल्फाबेट आएगा वो कभी भी हेक्साडेसिमल में नहीं होगा, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 166, इसमें क्या कह रहा है वो हमसे कि अ बाइनरी नंबर कैन बी इजिली कन्वर्टेड टू द इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर बाय फॉर्मिंग द ग्रुप ऑफ 4 सक्सेसिव बिट्स, 4 सक्सेसिव बिट्स लगाते हैं फ्रॉम LSB। ठीक है जी, इसका आंसर क्या होगा, 4, समझ गए जी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं इसको, LSB को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब नेक्स्ट में फुल फॉर्म पूछ ली गई है, व्हाट डज MSB मींस इन अ बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर में MSB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बेटा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आएगा इसका आंसर, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको कि व्हाट इज द डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड की डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होती है। हम अब दोस्तों ध्यान देखो, डिफॉल्ट के ऊपर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले भी आए थे ना चार पांच, और फिर आ गया एक और, तो इसका आंसर आएगा लेफ्ट। ठीक है जी, लेफ्ट राइट सेंटर ये सारे मतलब अलाइनमेंट्स होती हैं, तो लेफ्ट जो होती है वो बाय डिफॉल्ट होती है। जस्टिफाइड का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है कंट्रोल प्लस जे, शॉर्टकट्स भी आ जाती है ना, इन फ्यूचर आ सकती है एग्जाम में। नेक्स्ट देखो, इन एमएस वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स टू बी यूज टू फाइंड सिनोनिम ऑफ अ वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट। इसका आंसर होगा दोस्तों थिसारस। राइट क्लिक करोगे तो आ जाएगा, कुछ किसी वर्ड को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करो तो थिसारस ओपन हो जाते हैं, उसके सारे सिनोनिम एंटोनिम्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 170, व्हाट इज द रोल ऑफ कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट की इन एमएस वर्ड। हो सकता है कि आपने इनका यूज कम किया हो, लेकिन इसका एक वाई है, कंट्रोल येट, कंट्रोल प्लस जेड, उसका होता है अंडू। ठीक है, इसका यूज हम बहुत करते हैं, और कंट्रोल वाई उसी को ही चेंज करने के लिए, दैट इज रिडू। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 171, इसमें क्या बोला गया है कि मूविंग टू द कर्सर टू द लास्ट सेल ऑफ ए टेबल एंड प्रेसिंग डैश की विल अपेंड अ न्यू रो इन द टेबल। अब ऐसा करना, एमएस वर्ड में टेबल बनाओ, एक लास्ट जो हमारा सेल होगा उसमें जाके अपने टैब का बटन दबाना है, जब आप टैब का बटन दबाओगे तो नई रो आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एमएस वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन बी परफॉर्म यूजिंग रूलर। रूलर का यूज करके कौन कौन से टास्क किए जा सकते हैं। तो बेटा पेज मार्जिन को चेंज किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। टू सेट टैब्स, टैब्स को सेट किया जा सकता है। टू सेट इंडेंट्स, इनको भी सेट किया जा सकता है। तो मतलब ऑल ऑफ दिस इसका क्या होगा आंसर, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 173 है, व्हाट इज द डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉप्ड व्हेन यूजिंग ड्रॉप कैप ऑप्शन इन एमएस वर्ड। अगर मैं एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज करता हूं तो डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइंस, देखो डिफॉल्ट के क्वेश्चन तो इतने ज्यादा पूछे गए हैं ना दोस्तों आपसे, अब देखो 7-8 क्वेश्चन डिफॉल्ट के ऊपर ही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा जी 3, इसका आंसर क्या होगा 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेसिंग डैश की 3 टाइम्स टू टाइम सेलेक्ट द करंट सेंटेंस इन एमएस वर्ड। अगर एमएस करंट सेंटेंस को आपने सेलेक्ट करना है तो आप क्या कौन सा बटन दबाओगे, हम दबाएंगे जी F8। हम कौन सा बटन दबाएंगे, F8 को 3 बार दबाओ बस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 175 है, व्हाट फीचर हेल्प्स यू टू इंसर्ट द कंटेंट्स ऑफ द क्लिप बोर्ड एज टेक्स्ट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग ऑफ एमएस वर्ड। बिना फॉर्मेटिंग करे अगर हमने क्लिप बोर्ड पर डालना है उस टेक्स्ट को, तो क्या करते हैं हम, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल का यूज किया जाता है उसके लिए। ठीक है, सारे सोनियम टोनियम के लिए ऑटो कंप्लीट का तो कुछ नहीं है, मेल मर्ज अलग चीज होती है, मेल मर्ज का अलग कंसेप्ट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए 176, इसमें क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पेज मार्जिन इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में ऐसा कौन सा पेज मार्जिन नहीं होता है। लेफ्ट से मार्जिन हो जाता है बेटा, राइट से भी मार्जिन हो जाता है, टॉप से भी हो जाता है, बॉटम से भी हो जाता है, कहां से नहीं होता है, सेंटर से। तो इसका आंसर क्या होगा, 176 का सेंटर होगा। ठीक है, 177 क्वेश्चन, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप बार, ये क्या होता है, पेज ओरिएंटेशंस, इंसर्ट पे जाके पेज ओरिएंटेशन में जाके देखोगे तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 178 है, 178 में क्या कह रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेक्शन ब्रेक इन एमएस वर्ड। सेक्शन ब्रेक क्या क्या होते हैं पहले दे देखो, कंटिन्यू सेक्शन ब्रेक होता है, ओड होता है सेक्शन ब्रेक, ओड पेज, इवन पेज होता है, नेक्स्ट पेज होता है, ओड पेज, इवन पेज, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूस पेज। ठीक है, कौन सा नहीं होता है, प्रीवियस पेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रीवियस पेज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एमएस वर्ड द लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंट इन द मेल मर्ज इज ऑल्सो नोन एज, जो रिप्रेजेंट की जो लिस्ट होती है उसको क्या कहा जाता है, डेटा सोर्स। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, डेटा सोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसमें क्या बोला गया है कि विच व्हाट इज द वाइल्ड कार्ड दैट मैचेस वन और मोर ओरिएंट अकरेंस ऑफ अ पैटर्न इन एमएस वर्ड सर्च। तो इसका आंसर होगा स्टार दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन वाइल्डली यूज कौन सा है, स्टार। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज द शॉर्टकट की इन एमएस वर्ड टू इंसर्ट मैनुअल लाइन ब्रेक। भाई मैनुअल लाइन ब्रेक का मतलब क्या है कि आप कुछ लिख रहे हो, आप चाहते हो कि उसके नीचे में एक और चीज लिखो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर, तो उसके साथ ही नीचे लाइन ब्रेक होकर नीचे चला जाता है, मतलब पैराग्राफ चेंज नहीं होता, उससे लाइन ब्रेक होती है बस, तो शिफ्ट प्लस एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी,
व्हाट की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू मूव बैक टू द प्रीवियस लेवल ऑफ नंबरिंग बुलेट्स इन एमएस वर्ड। तो उसके लिए आंसर क्या होगा हमारे पास, शिफ्ट प्लस टैब। उसका आंसर क्या होता है, शिफ्ट प्लस टैब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा फैक्चुअल था दोस्तों, पता नहीं अब कितने स्टूडेंट्स ने करा है, मुझे कमेंट्स में बताना जरूर कि कितने ने आंसर दिया हो इसका। फोन साइज आर जनरली मेजर्ड इन द पॉइंट विच इज इक्वल टू 1/72 ऑफ इंच, 1/72 ऑफ इंच। अगर आप 72 नंबर का फोन बनाओगे तो वो एक इंच को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो 1/72 इसका आंसर होगा। वट इज द साइज ऑफ ए फोर पेपर, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, पता होगा आपको, 210 × 297 mm। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड विदाउट गेटिंग टायर्ड, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं जी, इसको बोला जाता है डिलीजेंस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, डिलीजेंस बोलते हैं। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए जी, अब ये है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स का क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर, पहला माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया था, जो आज बना रहा है पहले भी वही बना रहा था, यानी कि इंटेल। ठीक है, जो पहला था वो कौन था, इंटेल। हालांकि पेंटियम भी इंटेल द्वारा बनाया गया है, लेकिन पेंटियम जो है वो आपने देखा होगा, आपने भी यूज किया होगा, P3, P4, पेंटियम 4, पेंटियम 3, बट इंटेल 4004 सबसे पहला था। ENIAC जो था फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए। द वर्ड एल्गोरिथम इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नेम ऑफ विच इस्लामिक स्कॉलर, तो इसका आंसर अल ख्वारिज़्मी। ठीक है, अल ख्वारिज़्मी इसके नाम से बना है वर्ड एल्गोरिथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है कि हु कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर, पहला प्रोग्राम किन्होंने लिखा था 1952 के अराउंड शायद लिखा गया था ये, इसका इनका नाम था लेडी एडा लेवलेस। ठीक है, लेडी एडा लेवलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 189। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज 2.5G, वीडियोकॉन कंपनी ने लेके आई थी ये, सॉरी वीडियोकॉन कंपनी लेके आई थी ना 2.75G, ऐसे 2.5G होता है जो होता है GPRS। 4G आपको पता है, ये भी 4G को रिप्रेजेंट करता है, GSM सिम थी, 2G नेटवर्क, सेकंड जनरेशन था ये। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका आंसर होगा ये वाला, मैंने सबको टिक कर दिया, आंसर इसका होगा GPRS। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ ट्विटर, ट्विटर की न्यूज आपने सुनी होगी ना, पहले भी बताया आपको मैंने। ठीक है, तो ट्विटर को आपको बोला गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर, फाउंडर कौन था, फाउंडर इज जैक डोर्सी, फाउंडर कौन है, जैक डोर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, विंडो 7 सबने यूज किया है, विंडो 8 भी आई थी, विंडो 10 अभी भी चल रही है, अब तो विंडो 11 भी आ गई, लेकिन विंडो 9 नहीं आई थी, विंडो 9 को इन्होंने लॉन्च नहीं किया, तो विंडो 9 इसका क्या होगा आंसर। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है कि द प्रोग्राम रिटन इन डैश जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज पोर्टेबल, तो देखो पहली जनरेशन में तो प्रोग्राम था ही नहीं, सेकेंड में असेंबली लैंग्वेज आई थी, और थर्ड में प्रोग्रामिंग होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, यानी कि सी का यूज होना शुरू हो चुका था थर्ड से, तो थर्ड इसका क्या आएगा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 193, इसमें क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्राफिक्स रिप्रेजेंट्स इमेजेस एज अ सेट ऑफ बेसिक ड्राइंग शेप्स लाइक लाइंस, सर्कल एंड कर्व्स, देखो डायरेक्शन भी है इनके साथ में, तो इसका आंसर आएगा वेक्टर्स, इनका आंसर क्या आएगा वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 194, इसमें क्या है कि विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, तो भाई सोलिड स्टेट डिस्क जैसे ड्राइव होता है, ये SSD, रैंडम एक्सेस मेमोरी ये प्राइमरी मेमोरी होती है दोस्तों, पेन ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क भी क्या होती है सेकेंडरी मेमोरी, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम जो होती है प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फॉलोइंग इज अ क्लाउड बेस्ड फाइल स्टोरेज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गूगल, गूगल का स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, गूगल ड्राइव आपने यूज भी करा होगा, जो अगर आप मेल यूज करते हो, अपनी मेल अगर आप यूज करते हो उसमें देखो 15 GB का आपको एक स्टोरेज मिलती है, तो वो गूगल ड्राइव की स्टोरेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जीमेल में, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 196, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप्स कंप्यूटर्स आर नोन एज, जो हमारे पास कंप्यूटर होते हैं दोस्तों वो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, जिनको पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो है ये मेमोरी के यूनिट्स होते हैं। ठीक है, आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में बताना है कि सबसे छोटा कौन सबसे बड़ा कौन, तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, मेगाबाइट गीगाबाइट पेटाबाइट टेराबाइट, नहीं पेटाबाइट बड़ा होता है टेराबाइट छोटा होता है, सेकंड ऑप्शन है गीगाबाइट मेगाबाइट मेगाबाइट, देखो गीगाबाइट बड़ा होता है मेगाबाइट छोटा होता है, तो ये भी नहीं है, थर्ड इज मेगाबाइट गीगाबाइट टेराबाइट पेटाबाइट, बिल्कुल सही, यही हमारा क्या होगा
आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, और ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 198 है, इसमें क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, कि भाई स्टोर्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का कंसेप्ट किसने किया था, किसने दिया था, इसका आंसर क्या है, जॉन वॉन न्यूमैन, ये इसका आंसर है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें एलन ट्यूरिंग की, एलन ट्यूरिंग का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, इमिटेशन गेम मूवी आई थी पूरी, इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स या फिर फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, एलन ट्यूरिंग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 199 में क्या कह रहा है कि विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स विद ट्रांजिस्टर, पहली जनरेशन में क्या थे वैक्यूम ट्यूब्स, दूसरी में क्या थे ट्रांजिस्टर, तो इसका आंसर क्या होगा ट्रांजिस्टर, यानी कि सेकंड, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन ये सेकंड जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है पूरे पूरे के पूरे पेपर का, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डेटा ऑन ए सीडी इज आल्सो नोन एज द डेटा डैश डेटा टू द सीडी, इसका क्या आंसर आएगा। देखो जब भी हम सीडी डालते हैं तो आती थे ना एक ऑप्शन, आजकल तो खैर सीडी आई नहीं रही है, जब हम पहले पहले सीडी डालते थे तो बर्निंग आता था, बर्निंग करके, तो इसका आंसर क्या है बर्निंग, बेकिंग फ्राइंग रोस्टिंग कुछ नहीं है, इसका आंसर होगा बर्निंग। ठीक है, तो ये थे 200 क्वेश्चंस जो आपके JOIT के एग्जाम में पूछे गए थे। आई होप आप सभी को इसके एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से मिल गई होगी, कुछ क्वेश्चंस के मैंने डायरेक्ट आंसर बताए हैं, समय की थोड़ी सी कमी थी। बाकी दोस्तों 9 मई को हम JOIT के लिए स्पेशल बैच लॉन्च करने वाले हैं, कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, अर्ली आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं दोस्तों। तो अब मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।